जो भी है, मतलब मैं कैमरा इधर उधर एंगल इसलिए नहीं करती है। सो ये सो टाइम हो रहा है भाई, अभी 4 बज रहे हैं, समझ रहे हो मतलब। कैमरा मेरी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। एंड गाइज, आज की शुरुआत में देखो भाई 7 बजे कर रहा हूँ, मतलब अभी यार रात के भी 7 बज रहे हैं। मैं भी यार थोड़ी देर पहले भाई गुप्ता जी के घर पे था, यानी कि अराउंड 5 बजे के अराउंड मैं गुप्ता जी के घर पे था। अगर आप लोगों ने उनकी कल वाली लाइव स्ट्रीम देखी है, मतलब आज हुई थी बट आप लोगों ने कल देखी होगी, सो कल वाली अगर आप लोगों ने उनकी लाइव स्ट्रीम देखी तो आप लोगों को पता होगा मैं उनके घर पर था। एंड अगर आप लोगों ने उनका परसों वाला कल वाला ही व्लॉग देखा है, सो उस दिन भी भाई उनके घर पे था बट मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि यार देखो पूरा दिन हमारा भी पूरा बिजी चले गया था। एंड आप लोग ने अगर उनका वही पिज्जा वाला जो उन्होंने व्लॉग डाला ना कल, जो उन्होंने अपलोड करा था शाम के टाइम अराउंड 3-4 बजे अराउंड उन्होंने अपलोड किया था, मतलब मैं वहीं पर था उस समय, मतलब मैंने उनके पूरे अपलोड और टाइटल वाइटल लिखकर मैंने भाई थंबनेल लगाकर पब्लिक किया था। सो अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा तो आप लोगों को पता होगा यार कि मैं वहीं पर था। एंड आज भाई मैं देखो अभी मैं वहीं से आ रहा था, सो मैंने भाई देखा यार, देखो भाई एक दिन तो वीडियो नहीं आया, सो मैंने सोचा यार कल भी अगर वीडियो नहीं आया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, सो मैं अभी आज ही वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बट अभी फिलहाल यार मेरे को नहीं पता भाई मैं क्या करने वाला हूँ, सो मैं आप लोगों को पूरा रूटीन अपना दिखा दूंगा क्या क्या करूंगा। एंड अभी पहले तो भाई मेरे को जाना है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि भाई मेरे घर पर भी फिलहाल कोई भी नहीं है, मतलब मम्मी और मम्मी शादी में गई हैं, सो मेरी दोनों बहनें, हम 3 जने हैं घर पे, सो मेरे को सब्जी लेकर आनी है, सो चलते हैं भाई सब्जी लेकर आते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या लेकर आया, सो चलते हैं यार। ओके सो गाइस, यार मैं घर से बाहर आ चुका हूँ, मैं भाई अभी सब्जी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, मम्मी यार दरअसल घर पे है नहीं, मैं एक मिनट यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ यार, यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग आ रही है। सो ये हमारे एरिया का देखो पार्क है, आप लोग देख सकते हो भाई बहुत बड़ा सा है, यहाँ पे तो बच्चे वगैरह खेलते नहीं है बट मैं देखते हैं भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर है भाई, सो चलते हैं पहले मैं सब्जी वगैरह लेकर आता हूँ, प्याज वगैरह लेने मैं लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। अंकल प्याज कैसे दिए? खत्म हो गई है। अंकल प्याज कैसे दिए? 60 रुपये 60 रुपये 1 किलो दे देना, 1 किलो डाल दो अपने हिसाब से डाल दो। सो गाइस, मैं भाई वहाँ से आ चुका हूँ एंड मैंने भाई प्याज और टमाटर लिए हैं, अब चलते हैं भाई घर पे एंड मैं आप लोग को भाई घर पे ही मिलता हूँ, क्योंकि लाइटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेकार है एंड गाड़ी वगैरह भी चल रही है, सो अब मिलते हैं भाई घर की तरफ सीधा। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ, मैं भाई एक चीज़ लाना भूल गया था, ये है पनीर, पनीर भी मैं लेकर आ गया भाई, मेन चीज़ मतलब मैं लाना भूल गया। और आना तुमने व्लॉग में आना, अभी मैं कैमरा घुमा दूँ उधर को फिर। सो कैमरा मेरी जो ऑफिस जाने वाली बहन है ना, वो आने के लिए मना कर रही। नाम मैंने बताया ना, सोनिया नाम है इनका, सोनिया रोगा। और तो मेरी ये तो ब्लॉग में आती नहीं, और मेरी जो वो दीदी है नोनी, नोनी रोगा तूने आना ब्लॉग में है, जो भी है मतलब मैं कैमरा इधर उधर एंगल इसलिए नहीं करती है। सो ये टमाटर वगैरह मैं लेकर आया, और देख रहे हो कैसा दिया उन्होंने टमाटर, दिखाते जरा एक पीस, ये देख रहे हो, मतलब मैं वीडियो बनाने के चक्कर में था, मैं जल्दीबाजी में लेकर आया, देखो कैसा दिया, ये वाला तो सही है, ये इन्हें खराब डाल दिया है बट कोई दिक्कत नहीं। एंड पनीर देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल ये ठंड के मारे जम गया। सो ये बनाते हैं भाई, फिर देखते हैं यही बनाने वाली है। 5 minutes later सो गाइस, यार खाने का टाइम हो चुका है, ये है भाई सब्जी, गरम गरम धुआं निकलते हुए, देख ले तू बंद क्यों कर दिया। हर्ष बेनीवाल की वीडियो चल रही है वहाँ पे, अभी अभी आई है ना 7 बजे, हर्ष बेनीवाल की फैन है। सो ये अरे रोटी तो दे दे यार, रोटी तो तूने दी नहीं, अच्छा बनी नहीं है क्या अभी? एंड मैंने हाथ भी नहीं धोया यार, अभी तो मैं ऐसे ही बैठ गया। सो ये है बनी है सब्जी मेड बाय नोनी रोगा। सो मैं हाथ धो के आता हूँ भाई, उसके बाद खाना वगैरह खाता हूँ, फिर आप लोग को मिलता हूँ। ओके सो गाइस, मैं देखो भाई अभी अभी सोकर उठा हूँ, दरअसल ये बात हुई ना कि मैं देखो भाई खाना वगैरह खाकर ना भाई मैं थोड़ी देर ऐसे लेटने के लिए इस कमरे में आया, एंड फिर फोन चलाते रहे, मेरी ना देखो आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। सो मैं भाई थोड़ी देर ऐसे लेट गया था यार, सो मेरे को नींद एक आ गई, एक नींद क्या होता है भाई। सो अभी देखो भाई रात के 12 बज रहे, मतलब यार मैं 9 बजे के अराउंड लेटा था, एंड 2-2.5 घंटे की, मतलब मैं उठ तो काफ़ी देर पहले गया था, आधा एक घंटा पहले मैं उठ गया था, तो गुप्ता जी का कॉल आ गया था, तो उन्हीं से बातचीत कर रहा था, फिर अभी भी मैं लेटा ही हूँ, अभी उठकर जाता हूँ यार, 12 बज चुके हैं। सो मेरे को वीडियो वगैरह का भी अभी देखना है, सो आज यार मैं देखो दोबारा भाई माइनक्राफ्ट का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार देखो GTA के लिए ना भाई मेरे को पूरा PC रीसेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को भाई, अगर आप लोग मेरी गेमिंग की वीडियो देखी है तो आप लोग को यार पता होगा, मैंने कल लास्ट में बोला था, अगर लास्ट है अगर आप लोगों ने देखी है तो। सो कल यार मैं शायद अपना PC गुप्ता जी के, कल नहीं शायद परसों को मैं अपना PC गुप्ता जी के घर पे ले जाऊंगा, क्योंकि यार उनके घर पे वाईफाई लगा, मेरे घर पे तो भी वाईफाई लगा नहीं है, सो मैं रीसेट करके वहीं पे विंडो वगैरह इंस्टॉल करूंगा, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। सो मैं उठता हूँ यार, PC वगैरह मेरा ऑफ है अभी, सो उठता हूँ फिर वीडियो वगैरह बनाने के लिए बैठता हूँ यार। ओके गाइस, सो भाई मैं मुंह वगैरह धोकर आ चुका हूँ एंड भाई ऑल सेट टू गो, मतलब भाई फेस कैम वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। अरे भैया एंगल सेट हो जा। ओके सो मैंने कंप्यूटर वगैरह सब ऑन कर लिया, मैं वीडियो बनाने बस बैठ रहा हूँ यार, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी देखो।
12:10 हो चुके हैं। सो मेरे को भाई वीडियो बनाने में भी अभी तो मैंने भाई सोचा तक नहीं कि मेरे को बनाना क्या है। सो देखते हैं भाई, पहले 2 मिनट सोचता हूँ यार, वही 12:30-1 बजे से बनाना स्टार्ट करूंगा एंड उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। क्योंकि देखो भाई वीडियो तो देखो भाई माइनक्राफ्ट की ना कम से कम 1 घंटे की बनती है वीडियो, कम से कम मतलब 50 मिनट के आसपास तो बनती ही बनती, चाहे कितनी भी छोटी तुम करने की कोशिश करो। जब माइनक्राफ्ट की मोड्स की बनानी तब चलो छोटी बन जाती है, बट सर्वाइवल सीरीज में कसम से भाई बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। सो इतनी बड़ी तो भाई वीडियो बनती है, फिर इसको जैसे तैसे करके भाई 25-30 मिनट के बीच में करने में बहुत ऐसी तैसी लग जाती है भाई। सो अभी बस मैं वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ एंड देखो कब तक मेरी वीडियो बनती है, बाकी मैं अपडेट आप लोग को देता रहूँगा। सो ये वाला व्लॉग आप लोग को मिल जाएगा भाई कल सुबह 11 बजे, यानी कि देख ही रहे हो यार आप लोग, 11 बजे आप लोग को मिल जाएगा भाई व्लॉग। सो पीसी वगैरह मेरा ऑन हो चुका है एंड ये देखो भाई विंडो एक्टिवेशन की, इसकी की खत्म हो गई, एक्सपायरी डेट आ चुकी है इसकी भाई, इसको भी मेरे को भाई एक्टिवेट करना पड़ेगा कैसे भी करके। एंड स्टीम पता नहीं क्यों भाई सबसे पहले खुल जाता है, बंद हो जा भाई। अबे यार सब चीज़ पहले खुलनी है तुम्हें, सब चीज़ खुलनी है। अबे यार एक तो फोकस क्यों छोड़ देता है, क्लोज हो जा भाई। सो मैं भाई माइनक्राफ्ट खोलता हूँ, टी लॉन्चर है क्रैक में मैं खेलता हूँ, आप लोग को पता ही होगा यार अगर गेमिंग चैनल पे मेरे को आप लोग फॉलो करते हो तो। सो माइनक्राफ्ट मैंने ऑन कर लिया है एंड बस ऑन हो रहा है, बस मैं वीडियो बनाने बैठ ही रहा हूँ यार, मैं आप लोग को अब थोड़ी देर बाद ही मिलता हूँ एंड मेरी सिस्टर भी आके यहाँ पे लेटेंगे, पता नहीं कैसे सो जाती है मेरे को तो समझ में नहीं आता है। सो मैं मिलता हूँ भाई आप लोग से थोड़ी देर बाद वीडियो वगैरह कंप्लीट करने के बाद। 5 hours later. ओके गाइस, तो मेरी भाई वीडियो कंप्लीट हो चुकी है भाई एंड मैं आप लोग को अभी टाइम बताऊँ ना, सो टाइम हो रहा है भाई अभी 4 बज रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब मैंने आप लोग से बोला था कि भाई 12 बज चुके हैं एंड अभी यार देखो 4 बज चुके हैं, मतलब देख रहे हो भाई इतना ज्यादा टाइम लग गया मेरे को आज की वीडियो बनाने में। क्योंकि यार भाई आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो देखो माइनक्राफ्ट की बनाई है एंड मैंने उसमें अपना जो हाउस है ना उसको मैंने अपग्रेड किया है, मतलब जो मेरा मॉडर्न हाउस है उसको मैंने अपग्रेड किया है। मैंने वो कौन सा डायमंड का हाउस बनाया, वैसे आप लोग को तब तक तो वीडियो मिल चुकी होगी, अभी आप लोग ये वीडियो देखो 11 बजे देख रहे हो, आप लोग को वो वीडियो 9 या 10 बजे के ऑलरेडी अपलोडेड होगी चैनल पर। सो आप लोग जाकर देख लेना अगर आपको देखनी हो। सो तो मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अभी जस्ट, मैं अभी देखो 4 बज रहे हैं। सो एडिटिंग भी एडिटिंग करने में और रेंडर में 5 बज जाएंगे एंड फिर तो भाई पता नहीं सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, बाकी मेरे को नहीं पता। सो देखते नींद आएगी तो मैं सोऊंगा, बाकी नींद तो मेरे को अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सो मैं एडिटिंग करता हूँ, पता नहीं कितने मिनट की यार बहुत बड़ी एक तो वीडियो बनी है, बाकी इसको शॉर्ट करना पड़ेगा यार, आप लोग को पता है फास्ट फॉरवर्ड वाला सीन होता है, शॉर्ट करनी पड़ती है वीडियो काफ़ी ज़्यादा। सो देखते भाई अभी मैं करता हूँ, फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, तो मेरी एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है भाई, मैंने वीडियो रेंडर भी हो चुकी है, मैंने थंबनेल भी बना लिया एंड इस वक्त टाइम हो रहा है भाई 5 बज रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी यार जल्दी एडिट हो गई क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारा पार्ट इसमें से भाई कट कर दिया। क्योंकि यार अगर देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो होती ना तो रेंडर होने में थोड़ी सी टाइम लगा दी, एडिट होने में भी टाइम लगा दिया, सो मैंने भाई काफ़ी सारा पार्ट इसमें से कट कर दिया है। तो अभी 5 बज रहे हैं एंड अभी यार देखो वीडियो वगैरह मेरी अपलोड हो रही है, मैं सोच रहा हूँ अपलोड पे शेड्यूल पे लगाकर मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, वैसे नींद तो नहीं आ रही बट यार सोना तो जरूरी है ही ना क्योंकि दिन में सो नहीं पाता यार मैं, इसलिए सो मैं अभी बस सोने ही वाला हूँ। बाकी आज के इस ब्लॉग को ना अपन यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे पता इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बट कल शायद अच्छा ब्लॉग आ सकता है क्योंकि आज अगर मेरा रिकॉर्ड हो गया तो भाई कल तो ब्लॉग आ ही जाएगा, ठीक है। सो बाकी आज के इस ब्लॉग को अपन यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा एंड अगर आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।